Dear students and also English learners, welcome to this class. And this is Ankit from English 1-6 with Ankit. And today we are going to learn that how to create questions with positive sentences. Okay, chalo shuru karte hain aaj ki class. Okay, is it, have you, and do they? और किस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं आज की क्लास में सीखेंगे. चलो शुरू करते हैं आज की क्लास. ये सबसे पहले है पॉजिटिव है यू आर ईटिंग कि आप खा रहे हैं. यू आर ईटिंग आप खा रहे हैं. आर यू ईटिंग किस तरीके से इसको हमने चेंज किया है यहाँ पे. यू आर को हमने किस सेंटेंस का ऑर्डर चेंज किया, किस तरीके से ऑर्डर चेंज किया, आर यू कर दिया यहाँ पे. देखो ये था यू आर, हमने इसको कर दिया है आर को आगे लगा दिया, तो आर यू ईटिंग, तो ये बन गया क्वेश्चन. क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो आर यू ईटिंग हमने क्या किया, आर को यहां रख दिया है और यू को यहां रख दिया, आर यू ईटिंग. ये क्वेश्चन बन गया आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हैं. यू आर ईटिंग आप खा रहे हैं. आर यू ईटिंग क्या आप खा रहे हैं. व्हाट आर यू ईटिंग आप क्या खा रहे हैं. आप क्या खा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, एंड आप क्या खा रहे हैं. ओके, व्हाट आर यू ईटिंग आप क्या खा रहे हैं. जैसे मैं किसे पूछता हूं व्हाट आर यू ईटिंग आप क्या खा रहे हैं. आई एम ईटिंग पिज्जा, आई एम ईटिंग ब्रेड, I am eating an apple. तो इस तरीके से आप different different चीजें हो सकते हैं, लेकिन क्या आप खा रहे हो. हाँ मैं खा रहा हूँ. Yes, I am eating. क्या आप खा रहे हैं. Are you eating? Yes, I am eating. तो इस तरीके से इन questions the first verb is, are, have, etc. is before the subject. इन questions में is, are, have, etc. जो वर्ड जो कि है बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आते हैं. ओके, फर्स्ट वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. ओके, तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस है. तो हम सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव और क्वेश्चन किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं. चलिए देखते हैं. आई एम, मैं लेट हूं. आई एम, मैं, I am late. मैं लेट हूं, मैं लेट हूं. I am late. Am I late? क्या मैं लेट हूं. Am I late? क्या मैं लेट हूं. I am late. मैं लेट हूं, मैं लेट हूं. I accept my fault. I accept my mistake. मैं इसको मानता हूं कि मैं लेट हूं. Am I late? क्या मैं लेट हूं. What do you think? Am I late? कि आपको क्या लगता है, मैं लेट हूं. एम आई लेट, क्या मैं लेट हूं. उसी तरीके से आई एम एंड एम आई वर्ड ऑर्डर चेंज हो गया. दिस सीट इज फ्री, दिस सीट इज फ्री, यह सीट खाली है. दिस सीट इज फ्री, यू कैन सीट हियर. अगर आप कहीं बैठे हैं तो आप किसी को सीट ऑफर कर सकते हैं, जैसे आप उठ जाएंगे, दिस सीट इज फ्री, यू कैन सीट. या आपके बगल में कोई सीट खाली है, किसी को नहीं पता, आप बता सकते हैं दिस सीट इज फ्री, यू कैन सीट हियर. ओके, दिस सीट इज फ्री, यह सीट खाली है. अब देखते हैं कि पूछते हैं कि क्या यह सीट खाली है, क्या वो सीट खाली है. इज दैट सीट फ्री, इज दैट सीट फ्री, क्या वो सीट खाली है, क्या वो सीट खाली है. Is that seat free? क्या वो सीट खाली है. ओके, सी वॉज एंग्री, वह गुस्सा थी. सी वॉज एंग्री, वह गुस्सा थी. आई डोंट नो व्हाई सी वॉज एंग्री, वह गुस्सा थी. ओके, अब सी वॉज एंग्री, व्हाई वॉज सी एंग्री, व्हाई वॉज सी एंग्री, वह गुस्सा क्यों थी. वॉज सी, यस सी वॉज एंग्री, वह गुस्सा थी, लेकिन वह गुस्सा क्यों थी. व्हाई वॉज सी एंग्री, वह गुस्सा क्यों थी. और
David has gone. David चला गया है. Where has David gone? David कहां चला गया है? David कहां चला गया है? Okay. You have got a car. आपके पास एक कार है. आपके पास कार है. Have you got a car? क्या आपके पास कार है? You have got और you have तो दोनों का मतलब सेम होता है. Okay. You have got a car. आपके पास एक कार है. Have you got a car? क्या आपके पास कार है? You have a car. You have got a car. आपके पास कार है. क्या आपके पास कार है? Have you got a car? Yes. They will be here soon. वे जल्द ही यहां होंगे. They will be here soon. वे जल्द यहां होंगे. Okay. When will they be here? वे यहां कब होंगे? वे यहां कब होंगे? When will they be here? वे यहां कब होंगे? Paula can swim. Paula तैर सकता है या तैर सकती है. Okay. Can Paula swim? क्या Paula तैर सकती है? Paula can swim. Paula तैर सकती है. क्या Paula तैर सकती है? Can Paula swim? क्या Paula तैर सकती है? Okay. Yes. अब देखते हैं आगे. Remember, the subject is after the first verb. The subject is after the first verb. Okay. किस तरीके से? Where has David gone? David कहाँ चला गया? Are those people waiting for something? क्या वो लोग किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं? Are those people waiting for something? क्या वे लोग किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं? किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? When was the telephone invented? टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? Do, does, and did? इनके साथ हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं? आगे देखते हैं. प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चन एंड पास्ट सिंपल क्वेश्चंस. ओके, किस तरीके से बनाते हैं? प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस में हम डू, ठीक है, डू, आई, वी, यू, दे, डज, ही, शी, इट का यूज करते हैं. हम प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस में इन सब का यूज करते हैं. डू, डज, ओके, डू के साथ हम आई, वी, यू, दे एंड डज के साथ ही, शी, इट. ओके, पास्ट सिंपल क्वेश्चंस के साथ हम डिड, आई, दे, ही, शी, इट इनका यूज करते हैं. ओके, तो अब देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं आगे. पॉजिटिव एंड क्वेश्चंस किस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं. ओके, दे वर्क हार्ड, वे मेहनत करते हैं. They work hard, वे कड़ी मेहनत करते हैं. Do they work hard, क्या वे कड़ी मेहनत करते हैं. You watch television,
आप टीवी देखते हैं? हाउ ऑफन डू यू वॉच टेलीविजन? हाउ ऑफन डू यू वॉच टेलीविजन? क्या आप अक्सर टीवी देखते हैं? आमतौर पर आप टीवी कब देखते हैं? इस तरीके से भी कह सकते हैं। क्रिस वर्क्स हार्ड। क्रिस कड़ी मेहनत करता है। डज क्रिस वर्क हार्ड? क्या क्रिस कड़ी मेहनत करता है? ओके, शी गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठती है। सी गेट्स अप अर्ली, सी गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठती है। व्हाट टाइम डज सी गेट अप? वह किस समय उठती है? व्हाट टाइम डज सी गेट अप? वह किस समय उठती है? व्हाट टाइम डज सी गेट अप? ओके, दे वर्क्ड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। दे वर्क्ड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, या बहुत कड़ी मेहनत की थी। डिड दे वर्क हार्ड? क्या उन्होंने कड़ी मेहनत की थी या मेहनत की थी? दे वर्क्ड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत। आगे, यू हैड डिनर, आपने डिनर कर लिया था। व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर, तुमने डिनर में क्या खाया था? व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर, आपने डिनर में क्या खाया था? यू हैड डिनर। ओके, शी गोट अप अर्ली, वह जल्दी उठी। यहां पे था सी गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठती है। सी गेट्स, एंड यहां सी गोट अप अर्ली, वह जल्दी उठी। यहां पे गोट है, यहां गेट्स था। सी गोट अप अर्ली, वह जल्दी उठी। व्हाट टाइम डिड सी गेट अप, वह किस समय उठी। यहां पे था वह किस समय उठती है, और यहां वह किस समय उठी। व्हाट टाइम डिड शी गेट अप, वह किस समय उठी। समटाइम्स डू इज द मेन वर्ब, समटाइम डू इज द मेन वर्ब। किस तरीके से मेन वर्ब आती है, किस तरीके से हम यूज करते हैं उसका देखते हैं। समटाइम डू इज द मेन वर्ब, डू यू डू, डिड ही डू, एटसेट्रा। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली डू इट वीकेंड्स, आप व्हाट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, आप हफ्ते के आखिरी दिन में अक्सर क्या करते हैं? ठीक है, आप वीकेंड पर अक्सर क्या करते हैं? तो आप जो भी करते हैं, व्हाट डू यू डू यूजुअली डू एट वीकेंड्स, आप वीकेंड्स पे अक्सर क्या करते हैं? ओके, व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है? यहां पे ए बी कन्वर्सेशन की बात हो रही, बातचीत चल रही। मैं बोलता हूं व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है? व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है? ही वर्क्स इन ए बैंक, वह बैंक में काम करता है। ही वर्क्स इन ए बैंक, वह बैंक में काम करता है। आई ब्रोक माई फिंगर लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने अपनी उंगली तोड़ ली। आई ब्रोक माई फिंगर लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने अपनी उंगली तोड़ ली। हाउ डिड यू डू दैट, यहां पे कन्वर्सेशन की बात है, मैं किसी को बता रहा हूं पिछले हफ्ते मैंने अपनी उंगली तोड़ ली। मैं अपने दोस्त को बता रहा हूं, मेरा दोस्त सामने खड़ा है, ऐसे सपोज करो मैं उसको बता रहा हूं, आई ब्रोक माई फिंगर लास्ट वीक। वो पूछते हैं हाउ डिड यू डू दैट, हाउ डिड यू, कैसे तोड़ ली तुमने, हाउ डिड यू डू दैट, कैसे तोड़ ली तुमने, हाउ डिड यू डू दैट। तो मैं बोलता हूं जैसे कोई भी रीजन हो सकता है, आगे हाउ डिड यू डू, कैसे,
आप या आपने वह कैसे किया? Why isn't, why don't and why plus negative. Okay. Where John, where is John? यहाँ पे हम इसका देखिए यहाँ पे किस तरीके से इज लिखा हुआ है. Where is John? John कहाँ है? Where is John? Why isn't he here? वह यहाँ क्यों नहीं है? Why isn't he here? वह यहाँ क्यों नहीं है? Why isn't he here? मुझे वो Why isn't he here? वह यहाँ क्यों नहीं है? He should be here. उसे यहाँ होना चाहिए. और he must be here. तो यहाँ उसे जरूर होना चाहिए. Why can't Paula come to the meeting tomorrow? Paula कल मीटिंग में क्यों नहीं आ सकती? Why Paula can't या why can't Paula come to the meeting tomorrow? Paula कल Paula मीटिंग में क्यों नहीं आ सकती या Paula कल मीटिंग में क्यों नहीं आ सकती है? Why didn't you phone me last night? Why didn't you phone me last night? Last night आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया या कल रात आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अब यहाँ पे एक why didn't you call me, तो हम यहाँ पर सही मायने में कॉल का यूज नहीं करते हैं, हम फोन का यूज करते हैं. जैसे बोलते why didn't you call me, you didn't call me ना, आपने मुझे कॉल नहीं किया. कॉल नहीं होता है, वो फोन होता है. Why didn't you phone me last night, कल रात आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो ये फोन होता है, कॉल नहीं होता है. तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी. अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे पूछ सकते, लिंक दिया गया इंस्टाग्राम पर, तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी आपका डाउट है तो. और आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी है, आपको कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए और मुझे मैसेज करें, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में लाइव तो हम बात कर सकते हैं इंग्लिश में. तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद.